हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। तो आज हम आपके साथ में सेव सल की स्पेशल तीखी चटनी और सेव सल के मसाले के साथ में सेव सल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सूखे मटर लिए थे, इसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब इसे हम कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे। तो जब तक मटर बॉईल होती है तब तक हम सेव सल का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में साबुत धनिया लिया है, अब इसमें हम सौंफ डालेंगे, जीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, लौंग डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा सफेद तेल ऐड करेंगे। तो मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें ठंडा करके हम मिक्सर जार में ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब ढक्कन को बंद करके हमने इसे पीस लेना है। तो लीजिए, सेव सल का मसाला तैयार है। अब मिक्सर जार में हमने एक अदरक का टुकड़ा लेना है, लहसुन लेना है, थोड़ा सा हम प्याज लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमारे पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे टमाटर लिया है, टमाटर की भी हमने पेस्ट बना लेनी है। अब हम सेव सल के लिए जो स्पाइसी चटनी है वो बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल लेना है, गरम हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट थी वो और थोड़ी सी टमाटर की पेस्ट वो डाल लेंगे। अब इन सभी को हमने अच्छे से कुक कर लेना है। अब इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम सेव सल का मसाला डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे। अब इसे हमने चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो सेव सल के साथ में सर्व करने के लिए एकदम स्पाइसी चटनी तैयार हो चुकी है। तो हमने
हमने मटर को बॉईल करने के लिए रखा था, तो मटर भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो आइए हम सेवसर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। फिर इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखी थी अदरक लहसुन और प्याज की, वो इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तब तक हमने इसे कुक कर लेना है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। अब जो हमने मसाला बना के रखा था उसल का मसाला, वो मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम टमाटर की पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब मसाले और टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं, उसके बाद हम इसके अंदर जो बॉईल की हुई मटर है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए हम इसके अंदर बेसन का घोल ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कटोरे में एक चम्मच जितना बेसन लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके इस ग्रेवी में डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो अब सेव सड में एक उबाल आ जाए तब तक हमने इसे पका लेना है। तो सेव सड बन के तैयार हो चुका है, आइए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो एक सर्विंग डिश में हमने यहाँ पे सेव सड ले लिया है। इसके अंदर जो हमने चटनी बनाई थी स्पाइसी, वो डालेंगे। थोड़ी सी सेव डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल टेस्टी एंड स्पाइसी सेव सर तैयार है। आप इसे ब्रेड या पाव के साथ में सर्व कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हमारी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।